सलमान खान की मोस्ट अवेटेड मूवी टाइगर 3 को लेकर जितने भी खुलासे हो रहे हैं वो सारे बम फाड़ हैं, यानी एक के बाद एक सरप्राइज सामने आ रहा है। अगर आप इसके रशियन लुक लीक होने वाली बात या इमरान हाशमी के विलन वाली बात पे गौर कर रहे हैं तो ये न्यूज पुरानी हो चुकी है, और हम लाए हैं आपके लिए टाइगर 3 की सबसे झकास और सबसे नई न्यूज। वो ये कि टाइगर 3 में एक और सुपर विलेन की एंट्री हो गई है। ये विलन इतना फाड़ू है, इतना ज्यादा हाई पर्सोना आ गया कि सलमान खान भी इसके सामने कहीं टिक नहीं पाते हैं। यानी फिजिक में सलमान खान से डबल है, और छोटा मोटा बंदा नहीं है, वर्ल्ड का रेनाउंड प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है जिसका नाम है वरिंदर सिंह घुमन। ये बंदा अभी तक आपकी नजर से बचा हुआ है, लेकिन कई बार आपके सामने आया होगा, आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन सलमान खान ने इसके टैलेंट को पहचाना और अपनी टाइगर 3 में अपने अपोजिट उसको विलन के रोल में कास्ट किया। तो इसके और सलमान खान के बहुत हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस शूट होने वाले हैं टर्की ऑस्ट्रेलिया में, तो मूवी बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाली है। क्योंकि जब सलमान खान अपनी बॉडी खोलेंगे और सामने एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर उनके साथ फाइट सीक्वेंस कर रहा होगा तो बड़ी स्क्रीन पर एक्शन का अलग ही तरह का नेटवर्क, अलग ही तरह का हाई फीवर क्रिएट हो जाएगा। तो वरिंदर सिंह घुमन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इनका इंट्रोडक्शन बताने के लिए यही काफ़ी है कि ये वर्ल्ड का पहला प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है जो पूरी तरह वेजिटेरियंस है, जालंधर का बंदा है, पंजाबी फिल्में कर चुका है, लेकिन हिंदी फिल्मों में पहली बार बड़े लेवल पर लॉन्च हो रहा है। इससे पहले मरजावा और सुंदरबन द टाइगर रोवर के नाम से जिसको आप जानते हैं उसमें ये हीरो के तौर पर लॉन्च हो चुका है। रोवर मूवी से याद आया कि मूवी बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं हुई थी, लेकिन जिसने भी वो मूवी देखी है अप्रिशिएट किया है। मूवी जंगल सुंदरबन पर बेस्ड थी जहाँ पर टाइगर्स लॉयन और इंसानों के बीच के एंगल को दिखाया गया था। इस मूवी में अगर आपको याद हो एक बहुत तगड़ा बॉडी बिल्डर एक्टर था जिसका नाम है वरिंदर सिंह घुमन। इसमें वैसे नोरा फतेही भी थी, और अगर आपको लगता है कि भोज में पहली बार एक्टिंग कर रही थी तो आप गलत हैं, बिकॉज वो इससे पहले रोड द सुंदरवन टाइगर में एक्टिंग कर चुकी हैं। तो ये दोनों इस मूवी में आपको दिख जाते हैं। मूवी काफ़ी अपीलिंग थी, सोशल मैसेज था, लेकिन एक और कनेक्शन इसका रोवर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो ये कि सलमान खान टाइगर 3 में पहली बार वरिंदर सिंह घुमन को नहीं मिल रहे हैं, ये इससे पहले रोवर में सलमान खान से मिल चुके हैं। अब आप सोचेंगे रोवर में सलमान खान तो कहीं थे ही नहीं, तो आपका वो डॉट भी क्लियर कर देते हैं। एक्चुअली रोवर मूवी जब लॉन्च हुई थी, रिलीज होने वाली थी, तब इसका पोस्टर पता किसने रिलीज किया था? यू गेस इट राइट, सलमान खान ने। जी हाँ, जब वरिंदर सिंह घुमन अपने कैरियर का स्टार्ट कर रहे थे बॉलीवुड में, तब सलमान खान ने उनके टैलेंट को पहचाना, उनकी बॉडी बिल्डिंग के शौक को इज्जत दी, और इस मूवी के पोस्टर लॉन्च में वो सेलिब्रिटी गेस्ट पर पहुंचे थे। सलमान खान ऐसे ही किसी मूवी के पोस्टर को लॉन्च नहीं करते हैं जब तक उनका कोई कनेक्शन ना हो। तो जाहिर सी बात है, सलमान खान का वरिंदर सिंह घुमन पर दिल आ गया था और तब से उस बंदे को लाइक कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि सलमान खान ने उस रोवर मूवी के पोस्टर लॉन्च इवेंट में वरिंदर सिंह घुमन से प्रॉमिस किया था। वो प्रॉमिस था उनके आने वाली मूवी गामा पहलवान में उनको कास्ट करने का। आपको याद होगा सलमान खान काफी पहले से पहलवान गामा सिंह की बायोपिक पर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। मूवी किसी वजह से अटक जाती है, चूंकि मूवी पहलवानी पर बेस्ड थी तो उनको वरिंदर सिंह घुमन परफेक्ट कास्ट लगे। मूवी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन सलमान खान को अपना वादा कंप्लीटली याद रहा, और जब टाइगर 3 में फाड़ू विलन की तलाश चल रही थी तब सलमान खान को याद आया अपने वरिंदर सिंह घुमन का आइडिया कि उसको कास्ट किया जाए। तो सर्किल ऐसे कंप्लीट हुआ। कई सालों बाद सलमान खान से हुई पुरानी मुलाकात अब जाके टाइगर 3 में कंप्लीट हुई है। सलमान खान के अपोजिट उनको विलेन के तौर पर कास्ट किया गया है, और उनकी फिजिक, उनके पर्सोना, उनके बॉडी बिल्डिंग, उनके बाइसेप, उनकी पर्सनालिटी को देखकर लगता है सलमान खान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज जब टक्कर दो बॉडी बिल्डर्स की होती है तो कोई कम नहीं पड़ना चाहिए। और सलमान खान वैसे भी मूवी के एक्टर हैं, तो सलमान खान भी जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं, और घुमन की बॉडी तो बताने के लिए काफ़ी है कि बंदा कितना ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग को लेकर, अपनी फिजिक को लेकर सीरियस है। तो दोनों के एक्शन सीक्वेंसेस को देखने का वेट तो पब्लिक, फैन, सब तरह के लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि वरिंदर सिंह घुमन को हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर और टर्मिनेटर के सुपरस्टार अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने एशिया में उनके अपने हेल्थ प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा बंदा मिस्टर एशिया भी रह चुका है और बहुत सारे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन जीत चुका है। जाहिर सी बात है, सलमान खान का बॉडी बिल्डर्स के प्रति एक अलग तरह क्रेज रहता है, क्योंकि वो खुद बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। ऐसे में उनकी नज़र वरिंदर सिंह घुमन पर स्टार्टिंग से थी। तो आप ये गैस पक्का रखिए कि जब मूवी में सलमान खान अपनी शर्ट फाड़ते हैं तो पर्दा तालियों की गूंज से फट जाता है। तो ऐसे में वरिंदर सिंह घुमन और सलमान खान जब दोनों अपनी शर्ट फाड़ के दो दो हाथ करेंगे तो पब्लिक का क्या हाल होने वाला है। तो वेट फॉर टाइगर 3, इट्स सलमान वर्सेज वरिंदर सिंह घुमन। और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर पंच कर दीजिए, और वीडियो का सलाह कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।